अच्छा, ये वो बात मैं जो कर रहा था कि आपको मैं बताऊंगा कि रीड एंड राइट का, तो ये अब एक सीक्वेंशियल अगर एक्सेस फाइल है तो ये उस फाइल का स्टार्ट है, ये करंट पोजीशन ऑफ द हेड है और ये एंड है, ठीक है। तो अगर आपने उस फाइल को रिवाइंड करना है तो बैक यहाँ से आ जाएंगे, अगर अब रिवाइंड नहीं करना और यहीं से रीड करना है तो रीड या राइट यहाँ से हम आगे कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंशियल टाइप जो फाइल्स होती हैं, जैसे कि आपके पास एक वीडियो वाली जो फाइल हो गई या ऑडियो की जो फाइल हो गई, वो इस किस्म की फाइल होती हैं, ठीक है। उसमें हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। जिस तरह मिसाल अगर अब आप एक कोई नात सुन रहे हैं या गाना सुन रहे हैं तो वो स्टार्ट से आया, लेकिन आपने स्टार्ट से नहीं सुनना, तो आप एकदम जो है किसी भी मीडिया प्लेयर पे अगले 2 मिनट पे क्लिक कर देते हैं तो वो एकदम यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, मतलब करंट पोजिशन वहाँ से प्ले करना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास वो सिक्वेंशल एक्सेस टाइप की फाइल हो जाती है। अच्छा, डायरेक्ट्री की अगर हम बात करें तो अ कलेक्शन ऑफ नोट्स कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल फाइल्स, ठीक है। हमारे पास ये डायरेक्टरी की एक डेफिनेशन हो गई, ठीक है, कि अ कलेक्शन ऑफ नोट्स कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल फाइल्स, ठीक है। ये हमारे पास तमाम फाइल्स की इन्फॉर्मेशन रखने की एक जगह है, इसी को हम डायरेक्टरी कहते हैं, फोल्डर कहते हैं, ठीक है। डायरेक्टरी बोलें फोल्डर बोलें तो एक ही चीज़ है। अब हमारे पास क्या है कि मुख्तलिफ डायरेक्टरीज हैं और उनके अंदर मुख्तलिफ फाइल्स पड़ी हुई हैं। बोथ द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड द फाइल्स रिजाइड ऑन हार्ड डिस्क, तो जाहिर है दोनों जो है हार्ड डिस्क पे रिजाइड करेंगे, फोल्डर्स भी और फाइल्स भी। तो फोल्डर्स या डायरेक्टरीज जो होते हैं वो आप कह लें कि एक स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे हमने फाइल्स रखी होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि हम क्या परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ऑन अ डायरेक्ट्री, ठीक है, ऑन अ डायरेक्ट्री। तो हम डायरेक्ट्री के अंदर सर्च फॉर अ फाइल कर सकते हैं, हम किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हैं विद इन दैट डायरेक्ट्री, हम कोई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं विद इन दैट डायरेक्ट्री, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं एक फाइल उस डायरेक्ट्री के अंदर से, लिस्ट अ डायरेक्ट्री हम कर सकते हैं कि उस डायरेक्ट्री के हम अंदर हम देख सकते हैं कि और कौन कौन सी फाइल्स मौजूद हैं। लिस्ट अ डायरेक्ट्री, ये वो ls की कमांड है, ls स्पेस माइनस l या ls, ठीक है, डायरेक्ट्री नेम, तो ये वो बेसिकली जो है ls की जो कमांड होती है जिससे हम डायरेक्ट्री को जो है लिस्ट करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या पड़ा हो, ठीक है। अच्छा, रीनेम अ फाइल कर सकते हैं, ठीक है, विद इन दैट डायरेक्ट्री, और ट्रेवर्स द फाइल सिस्टम, और हम मूवमेंट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक डायरेक्टरी से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं विद इन दैट डायरेक्टरी। तो ये बहुत ही सिंपल सा, ठीक है, लेक्चर है आज का हमारा, जिसमें जो है फाइल्स और डायरेक्टरीज के बारे में बात हो रही है, तो ये सारी चीज़ें शायद आपको ऑलरेडी क्लियर भी होंगी। अच्छा जी, सो डायरेक्टरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, द डायरेक्टरी इज ऑर्गेनाइज लॉजिकली टू ऑब्टेन एफिशिएंसी। ये हम क्यों डायरेक्टरी को जो है लॉजिकली जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, सो दैट एफिशिएंसी आ जाए, हमारे पास ओएस के पास पूरा एक रिकॉर्ड मौजूद हो, सब कुछ कंट्रोल्ड हो, उसको एक एक चीज़ का पता हो कि मिसाल ये फाइल है तो ये कहाँ पड़ी हुई है, ये किस फोल्डर किस डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है, और फिर इस डायरेक्टरी के अंदर और कौन सी डायरेक्टरीज हैं वगैरह वगैरह। तो इस पूरी चीज़ का एक प्रॉपर एक रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो उस रिकॉर्ड से ये होगा कि लोकेटिंग अ फाइल जो है ना वो बहुत एफिशिएंट और एफिशिएंसी से एफिशिएंट तरीके से हम उसको लोकेट कर लेंगे, हम उस फाइल को बड़े अच्छे तरीके से फाइंड कर सकेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हैसल्स, क्योंकि हमारे पास पूरा एक रिकॉर्ड मौजूद होगा, सही है। इसके अलावा जो नेमिंग का कॉन्सेप्ट ना, जो पीछे भी बात हुई कि फाइल्स का जो है वो नाम होता है, तो वो सिर्फ यूजर्स के लिए होता है, ठीक है। ओएस जो है वो फाइल्स को नॉर्मली नेम से इतना कंसिडर नहीं करता, उसने उनको आईडी जो दी थी ना, यूनिक आईडी, उससे वो उसका ज्यादा ताल्लुक रखता है। ओएस जो है जब किसी फाइल को ढूंढता है तो वो बेसिकली उस यूनिक आईडी से उसको टैग करता है, यूनिक आईडी से उसको सर्च करता है या ढूंढता है, लेकिन जो यूजर्स होते हैं हम आप, उनके लिए जो है फाइल्स के जो नाम है वो ज्यादा ज़्यादा आसान होते हैं याद करने के लिए, ठीक है। तो जो नेमिंग कन्वेंशन है दैट इज फॉर यूजर्स फैसिलिटी, न कि ओएस के लिए, ठीक है। टू यूजर्स कैन हैव द सेम नेम फॉर डिफरेंट फाइल्स, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक ही नाम की दो फाइल्स मौजूद हो, तो नाम मैंने पहले ही बोल दिया था कि एक हो सकता है, लेकिन आईडीज जो है उससे एक नहीं हो सकती। ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही है जैसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि एक क्लास में एक ही नाम के दो स्टूडेंट्स हों, ठीक है, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, जो यूनिक नंबर है, वो चेंज होना चाहिए। अच्छा, ग्रुपिंग जो है हम फाइल्स की करते हैं, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ फाइल्स बाय प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जाम्पल ऑल जावा प्रोग्राम्स, ऑल गेम्स एटसेट्रा। तो ये भी आपकी विंडोज में ही है कि आपने देखा होगा कि किसी भी डायरेक्टरी के अंदर आप तमाम फाइल्स को जो एक टाइप की है उनको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उनको लिस्ट में कर सकते हैं, जो तमाम इमेजेस एक साथ हो जाएंगी, तमाम ऑडियोज एक साथ हो जाएंगी, तमाम वीडियोज एक साथ हो जाएंगी एंड सो ऑन, तो वो ग्रुपिंग भी हम डायरेक्टरी के अंदर कर सकते हैं, ठीक है, विंडोज में है ऑलरेडी, तो कोई भी ओएस है उसमें ये काम किया जा सकता है।
अच्छा ट्री स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें कि हमारे पास एक ट्री का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। हमारे पास रूट, जिस तरह एक नॉर्मली एक दरख्त होता है ना हमारा, ठीक है, जो मिसाल के तौर पे एक दरख्त है, एक ट्री है, ट्री का भी यही होता है कि रूट होती है, जड़ होती है, ठीक है, और उस जड़ के ऊपर फिर हमारा पूरा जो है दरख्त जो है वो बेस कर रहा होता है। जड़ मजबूत होगी तो ठीक है दरख्त मजबूत होगा, फिर वो चले उन बातों में नहीं जाते, ठीक है, जिससे जो है हम शायरी की तरफ निकल जाए, लेकिन बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो है एक दरख्त है, ठीक है, और उसके अंदर फिर जो है बहुत से जो है शाखें होंगी, वो जो शाखें हैं ना, वो जो ब्रांचेज हैं, वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। फिर उन शाखों उन ब्रांचेज के अंदर हमारे पास पत्ते लगे हुए, ठीक है, लीव्स, वो जो लीव्स हैं, पत्ते जो हैं, वो बेसिकली आपकी फाइल्स हैं, ठीक है। अच्छा ऐसा भी होता है कि एक शाख है उसके ऊपर पत्ते लगे हुए हैं, लेकिन फिर उस शाख के साथ और उसी की शाख के अंदर एक और शाख भी है, ठीक है, और फिर उसमें भी पत्ते लगे हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे ही है कि जैसे मिसाल एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर कुछ फाइल्स हैं, और उसी डायरेक्टरी में फिर कुछ और डायरेक्टरीज भी हैं, डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी, और फिर उस डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी, और फिर उसके अंदर एक और डायरेक्टरी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यही वो कॉन्सेप्ट है, वो ट्री का स्ट्रक्चर बन जाता है कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, तो ये हमारी वो मेन रूट है, मेन डायरेक्टरी है। मिसाल के तौर पर अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो स्पेल का एक फोल्डर है, डायरेक्टरी है, जिसके अंदर फिर ये तीन जो है मौजूद है, ठीक है, ये तीन डायरेक्टरीज मौजूद है। तो फिर स्टैट का जो डायरेक्टरी है उसके अंदर ये फाइल मौजूद है, मिसाल डिस्ट जो भी है, ठीक है, उसके अंदर ये फाइल मौजूद है। मेल की जो डायरेक्टरी है जो कि स्पेल के अंदर ही है, लेकिन उसके अंदर फिर मेल के अंदर फिर ये तीन और डायरेक्टरीज मौजूद है। फिर ये जो exp की डायरेक्टरी है उसमें सिर्फ एक फाइल मौजूद है, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर हम से एक इसको देखें, चले प्रोग्राम को देख लें, प्रॉक को, तो ये इसके अंदर फिर एक और डायरेक्टरी है, तीन और डायरेक्टरीज हैं रादर, ठीक है, ये तीन, और फिर इन तीन के अंदर और फाइल्स हैं। यहाँ पे आसानी के लिए एक एक फाइल आपको सिर्फ दिखाई गई है, लेकिन ज़ाहिर मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती हैं, ठीक है, वो अगर मल्टीपल फाइल्स दिखाते तो शायद ज़रा वो पिक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी और जम्बल्ड अप लगती, तो इसलिए, वरना ज़रूरी नहीं है कि एक फोल्डर के अंदर एक ही, एक डायरेक्टरी के अंदर एक ही जो है फाइल है, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती हैं। तो आप अगर गौर करें तो ये पूरा एक ट्री का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये यहाँ पे एक उल्टा ट्री आपको दिखाई दे रहा होगा, कि मतलब उल्टा ट्री है, ठीक है, कि ये रूट है और जो है हमने उसको ट्री को इमेजिन करेंगे, हमने उल्टा कर दिया, जड़ ऊपर ले आए जस्ट समझाने के लिए, और फिर इसके बाद जो है आपके बाद देखें ये शाखें हैं और शाखों में पत्ते हैं और ये आपका ट्री स्ट्रक्चर है। सो जो ट्री स्ट्रक्चर होता है दैट इज एफिशिएंट सर्चिंग, अच्छे तरीके से एफिशिएंट तरीके से इसमें हम सर्चिंग कर सकते हैं, और करंट डायरेक्टरी जो होती है, जो वर्किंग डायरेक्टरी होती है, उसमें अगर हमने जाना होता है CD जो होता है कमांड चेंज डायरेक्टरी, तो हम उससे रूट का साइन हमने लगाया, ये रूट का साइन होता है, ठीक है, तो और उसके बाद स्पेल मेल प्रॉग, ये रूट है, रूट में हमने स्पेल मेल प्रॉग, तो हम यहाँ तक आ गए, ठीक है। तो ये जो चेंज डायरेक्टरी है, इससे हमने अपनी जो करंट डायरेक्टरी है उसको हमने चेंज कर दिया और हम प्रॉग डायरेक्टरी में आ गए। तो इस तरीके से जो मूवमेंट है वो बड़ी इजीली होती है और हर चीज़ बड़ी मैनेज रखती है और बड़े ठीक तरीके से रखती है, ठीक है। हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट्स हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ नेम, ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। तो ये भी हमने लैब में जो है देखा था, ठीक है, जिसमें अच्छा ये यहाँ पे शायद ठीक है लिखा नहीं हुआ, ओके मैं बता देता हूँ, ऐसे ही फिर बता देता हूँ, ठीक है। एब्सोल्यूट एड्रेस और रिलेटिव एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस ये होता है कि जो कि स्टार्ट से रूट से जो है काउंट किया जाता है, ठीक है, मतलब अगर मिसाल के तौर पे मैं इस फोल्डर का एब्सोल्यूट एड्रेस बताऊंगा तो इसका एब्सोल्यूट एड्रेस जो है ये पूरा होगा, प्रॉग जो पड़ा हुआ है वो मेल के अंदर और फिर स्पेल के अंदर, ठीक है, और ये कंप्लीट जो है ये बेसिकली एब्सोल्यूट एड्रेस कहलाएगा। रिलेटिव में ये होगा कि हम कहेंगे कि प्रॉग जो है मिसाल के तौर पर इस फाइल का अगर करना है तो इस डायरेक्टरी का करना है तो OBJ जो है वो प्रॉग के अंदर पड़ा हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे मुझे अब जरा सा इसको एग्जांपल देने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो है मैं आपको यहाँ पे बिना बोर्ड के इसको कैसे समझाऊं, लेकिन जस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि जो एब्सोल्यूट एड्रेस होता है उसमें आप बिल्कुल रूट से जो स्टार्टिंग है ना हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फाइल सिस्टम वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और रिलेटिव में हम बस उसी फोल्डर की बात कर रहे होते हैं कि हम उस फोल्डर के अंदर हैं, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट एड्रेस जो है वो कंप्लीट एड्रेस है और जो रिलेटिव एड्रेस है वो सिर्फ उसी फोल्डर के अंदर की बात है, उसी फोल्डर का है।
अच्छा, क्रिएटिंग अ न्यू फाइल इज डन इन करंट डायरेक्टरी, ठीक है। हम अगर किसी डायरेक्टरी में मौजूद हैं जिसको हम करंट डायरेक्टरी कहते हैं, तो हम अगर वहाँ पे उस फाइल को क्रिएट करते हैं वो वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, अगर उसको हम डिलीट करते हैं तो ये भी हमने किया हुआ है, ठीक है। लैब में ये सारी चीज़ें हमने की हुई हैं। आर एम फाइल नेम हम उसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है, डिलीट कर देते हैं। अच्छा, क्रिएटिंग अ न्यू सब डायरेक्टरी इज डन इन करंट डायरेक्टरी, मिसाल के तौर पर एम के डी आई आर, ठीक है, मेक डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी नेम। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ये करें कि एग्जाम्पल हम कर रहे हैं कि हम एक डायरेक्टरी बना रहे हैं काउंट के नाम से, और हम मौजूद कहाँ पे हैं, हम मेल में मौजूद हैं, ठीक है, मेल एक डायरेक्टरी है और इसके अंदर हम मौजूद हैं, और हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं एम के डी आई आर काउंट, तो जाहिर है काउंट की एक डायरेक्टरी बन जाएगी इधर ही। डिलीटिंग मेल, अच्छा, डिलीटिंग मेल अगर हम इसको डिलीट करें विल डिलीट द इंटायर सब ट्री रूटेड बाय मेल, तो अगर हम इस मेल डायरेक्टरी को डिलीट कर दें तो ये सारी डायरेक्टरीज भी डिलीट हो जाएंगी, जाहिर है क्योंकि मेल के अंदर ये सारी डायरेक्टरीज पड़ी हुई हैं, तो अगर हमने मेल डायरेक्टरी को डिलीट कर दिया तो सारी डायरेक्टरीज हमारी जो है वो डिलीट हो जाएंगी। अच्छा, फाइल शेयरिंग की अगर हम बात करें तो हम अपने ओएस में ये मैकेनिज्म भी कर सकते हैं कि हम फाइल्स को शेयर कर सकते हैं ऑन अ नेटवर्क, ठीक है, ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है और ऑन इंटरनेट भी हो सकता है कि हम फाइल्स की शेयरिंग कर सकते हैं, तो उसमें भी परमिशंस होती हैं फाइल्स की, और उन परमिशंस को चेंज किया जा सकता है कि क्या हम इस फाइल को शेयर कर रहे हैं कि नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको जो है भी ये मैं जितने भी लेक्चर्स अपलोड करता हूँ ये गूगल ड्राइव पे अपलोड करता हूँ, तो गूगल ड्राइव को बेसिकली मैंने वहाँ पे शेयर किया हुआ है, गूगल ड्राइव का वो वाला फोल्डर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, और वहाँ पे मैंने उस फोल्डर को उस डायरेक्टरी को ये राइट्स या ये परमिशंस दे दिए हैं कि जो है इन तमाम लोगों के साथ इसको जो है लिंक कर दें, और किसी के पास भी अगर ये वाला लिंक है और इससे वो आता है तो वो ये इन फाइल्स को रीड कर सकता है। अच्छा, अब वहाँ पे भी ऑप्शंस हैं कि जो जो लोग आते हैं वो उसको सिर्फ रीड कर सकें या मॉडिफाई भी कर सकें उन फाइल्स को, डिलीट भी कर सकें, तो वो मैंने सारे चेक्स हटाए हैं। आप लोग सिर्फ वहाँ से उस फाइल को डाउनलोड और रीड कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग उस फाइल्स उन फाइल्स को जिसको कहते हैं कि डिलीट या मूव वगैरह मॉडिफाई वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ फाइल्स ऑन मल्टी यूजर सिस्टम्स, ठीक है, मल्टी यूजर सिस्टम्स हो गए मतलब इंटरनेट वगैरह की बात यहाँ पे हम कर सकते हैं आसानी से। शेयरिंग में भी डन थ्रू अ प्रोटेक्शन स्कीम ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम फाइल में भी शेयर अक्रॉस अ नेटवर्क, तो वही नेटवर्क वाली बात हो रही है, ठीक है। एनएफएस नेटवर्क फाइल सिस्टम एक होती है हमारे पास विच इज अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल शेयरिंग मेथड, तो विंडोज के अंदर या ओएस के अंदर हमारे पास नेटवर्क फाइल सिस्टम का एक मैकेनिज्म होता है जिसका काम ये होता है कि जो फाइल्स होती हैं उनको ऑन अ नेटवर्क वो शेयरिंग की वो सारे मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। तो अगर एक मल्टी यूजर सिस्टम है तो यूजर आईडी, क्योंकि मल्टी यूजर सिस्टम है तो हमारे पास जो यूजर्स हैं उनकी आईडीज भी होती हैं, फिर हर यूजर की अपनी आईडी होती है, ठीक है, सो विच आइडेंटिफाई दैट यूजर और अलाउिंग परमिशंस एंड प्रोटेक्शंस टू बी पर यूजर, हर यूजर की आईडी होगी, हर यूजर की अपनी अपनी परमिशंस और प्रोटेक्शंस होंगी। इसी तरह ग्रुप होता है हमारे पास, ठीक है, सो अगेन वही कि लैब में हमने ये चीज डिस्कस की हुई है कि हमारे पास यूजर होता है, ग्रुप होता है, अदर्स होता है, ठीक है, तो ये वो वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ग्रुप आईडीज में ये होता है कि हमने एक ग्रुप बना दिया और सिर्फ वो ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो सिर्फ उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब अगेन वही गूगल ड्राइव वाली एग्जांपल अगर मैं करूं तो मैंने जो अपना गूगल ड्राइव में जो फोल्डर आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो वो मैंने सिर्फ कुछ लोगों के साथ किया हुआ है ना, इन अ वे समझे कि वो एक ग्रुप के साथ किया हुआ है, मैंने पूरा पब्लिकली अदर्स के साथ पब्लिक के साथ उसको शेयर नहीं किया, ठीक है। तो ये जो यूजर आईडीज होती हैं, ग्रुप आईडीज होती हैं, इसी से पता चलता है कि कौन ऑनर है उस फाइल या डायरेक्टरी का, ठीक है, उससे ये पता चलता है कि कौन ऑनर है उस फाइल और डायरेक्टरी का, और जो ऑनर होता है वो फिर परमिशन सेट कर सकता है कि औरों को वो क्या परमिशन दे, क्या और उस फाइल को सिर्फ रीड कर सकें, क्या उसको राइट कर सकें, क्या उसको मॉडिफाई कर सकें, वगैरह वगैरह। तो प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होती है कि फाइल का जो ऑनर क्रिएटर होता है ना वो कंट्रोल कर सकता है कि व्हाट कैन बी डन बाय हूम, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सेस ये होती हैं कि रीड कर सके, राइट कर सके, एग्जीक्यूट कर सके, अपेंड कर सके, अपेंड मींस जॉइनिंग मर्जिंग ऑफ फाइल्स, ठीक है, डिलीट कर सके, लिस्ट कर सके, तो ये सारे परमिशंस हैं। तो ये जो ऑनर है वो डिसाइड करेगा कि वो क्या क्या कर सकता है, मतलब वो क्या क्या, वो तो सब कुछ कर सकता है, वो लोगों के साथ जो शेयर कर रहा है, ग्रुप के साथ जो शेयर कर रहा है, तो वो ग्रुप मेंबर्स क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये बेसिकली ये बात हो रही है, क्योंकि जो फाइल का ऑनर है वो तो ये सारे काम कर सकता है, लेकिन वो जब शेयर कर रहा है तो जो जिनके साथ शेयर कर रहा है वो लोग फिर इस फाइल्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो अगर मैं अगेन गूगल ड्राइव वाली एग्जांपल पे चला जाऊँ तो आप लोग उधर फाइल्स को सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते,
अपेंड या ज्वाइन नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, हाँ लिस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन सी और फाइल्स हैं। तो लिस्टिंग इन अ वे हो सकती है और रीडिंग हो सकती है, बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑफ की हुई हैं। तो ये अगेन जो है इसको हमने डिटेल से देखा हुआ है कि हमारे पास मोड ऑफ एक्सेस होती है रीड राइट एग्जीक्यूट की, ठीक है, थ्री क्लासेस ऑफ यूजर्स ऑन यूनिक्स लिनक्स होती हैं, ऑनर ग्रुप एंड अदर्स, अदर्स को पब्लिक भी कह सकते हैं। सो हमारे पास रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन होती हैं और वो चेंज कैसे करते हैं, 761, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 7116। तो अगेन मैं कहूँ, अच्छा, आस्क मैनेजर टू क्रिएट अ ग्रुप यूनिक नेम से जी एंड एड सम यूजर्स टू द ग्रुप, ठीक है। ये हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ग्रुप बना दें और उसको नाम दे दें कोई भी जी के नाम से, कोई भी एक नाम दे दें, ठीक है, और उसमें सब यूजर्स को हम ऐड कर लें तो बेसिकली वो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर फाइल से गेम, अब हमारे पास एक गेम फाइल है, ठीक है, ये गेम है, ये उसका मतलब फाइल का नेम है और हम उसको सी एच मोड से चेंज कर रहे हैं मोड और उसको हमने 761 की प्रॉपर्टी दे दी। 761 से क्या हो रहा है कि ये ऑल 111 हो रहा है, 6 आपको पता है 110 होता है, तो रीड राइट की परमिशन ग्रुप को मिल रही है लेकिन एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं मिल रही, ऑनर को सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। और पब्लिक एक्सेस जो है उसमें हमने वन लिख दिया, मतलब 001, मतलब कि ना रीड कर सकता है ना राइट कर सकता है लेकिन एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑड सा है कि ये कौन सी बात है, आइडियली तो इसको सिर्फ रीड कर सकता, ठीक है, लेकिन ये जस्ट समझाने के लिए एक है। नॉर्मली पब्लिक को सिर्फ रीड की परमिशन होती है या इवन रीड की भी नहीं होती, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूट की तो बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ एक समझाने के लिए कि अगर हम इसको 761 वैल्यू दे दें तो जो गेम की जो फाइल है हमारी वो इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। तो अगेन वही, जिन्होंने लैब की हुई है उनको तो ये समझ आ रही है, एमसीएस वालों के लिए ये चीज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये देख लें, ये सबके लिए है, ठीक है, इंक्लूडिंग एमसीएस। अच्छा, ये हमारे पास विंडोज 7 की मैंने एग्जाम्पल दी हुई है, आप लोग विंडोज 8 10 को भी देख लें, वो भी कुछ इसी तरह ही है कि किसी भी फाइल पर राइट क्लिक करें और उसकी जो है सिक्योरिटी पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये परमिशन आ जाते हैं कि गेस्ट के लिए क्या क्या परमिशन है। देखें नॉर्मली जो गेस्ट का अकाउंट होता है ना, ये देखें इसको राइट क्लिक करके और फिर गेस्ट पे क्लिक करेंगे तो गेस्ट जो है वो ये सारे काम नहीं कर सकता, ठीक है, वो कोई फाइल को अक्सर जो है क्या कह सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकता वगैरह वगैरह नहीं कर सकता। अब यहाँ पे अच्छा रीड नॉर्मली कर सकता है गेस्ट, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि इन को हमने एडिट किया हुआ है, ठीक है, इन्होंने कोई भी फाइल थी उसको जो है गेस्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे ये एडिट लिखा हुआ है, इस एडिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने सबको डिनाई किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं नहीं जी रीड को या राइट को अलाउ कर दें तो आप इस एडिट को क्लिक करें और एडिट में फिर चेंज कर सकते हैं। तो ये विंडोज 7 का है, विंडोज 8 और 10 में भी ऐसे ही है, ठीक है, चेक कर लें। अच्छा, ये यूनिक्स की पास क्या है कि ये हमने डिटेल से किया हुआ है कि डैश मीन्स फाइल और डी मीन्स डायरेक्टरी। तो ये जो प्राइवेट है दैट्स अ डायरेक्टरी विद द परमिशंस यूजर के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों, लेकिन फिर ग्रुप और अदर्स के लिए कुछ भी नहीं, ठीक है। मिसाल इसी तरह रैंडमली मैं कोई पिक कर लेता हूँ से प्रोग्राम, सो प्रोग्राम इज अ फाइल और यूजर जो है रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है, ग्रुप जो है वो रीड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, और यूजर जो अदर्स है, अदर्स जो है वो भी रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये उसकी फिर डेट्स हैं, वो उसका साइज है, ये साइज होता है, ठीक है, ये डेट है कब वो बना था और ये जो है किसने बनाया था, ठीक है, और वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई है। तो दैट्स इट, जो है ये हमारा फाइल सिस्टम का लेक्चर था, इसमें कुछ चीज़ें एमसीएस वालों की